बंद करो, बंद करो। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश में इन दिनों धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा बन गया है। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से धर्मांतरण के खेल से पर्दा उठता है। एक ताजा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां चोरी छिपे धर्मांतरण कराए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि भोपाल के स्लम एरिया में गरीब तबके के हिंदू परिवारों को ईसाई धर्म में जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसकी भनक लगते ही बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोगों ने वहां पर हंगामा किया है। जानकारी के मुताबिक भोपाल से पिछले कुछ दिनों से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला टीटी नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर शिवनगर में कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसे लेकर जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठन और बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। नीचे कुछ भी हो, इस प्रकार मतलब ढाई ढाई लाख रुपए का आप प्रलोभन दे रहे हैं, उनको नौकरी का प्रलोभन दे रहे हैं, जिनकी शादी नहीं उनसे कह रहे हैं हम अपनी लड़कियों से शादी करा देंगे। इस प्रकार का जो है प्रलोभन देकर यहाँ पर ईसाई मिशनरी काम कर रही है, और इनका हम इनके खिलाफ पादरी की गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं, तत्काल गिरफ्तारी करना चाहिए। संगठन के लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने गरीब बस्तियों में जाकर ईसाई मिशनरी के कुछ लोगों को रंगे हाथ धर्मांतरण कराते हुए पकड़ा है। यह पूरा मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया है। धर्मांतरण मामले में टीटी नगर थाना पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 35 और धारा 295 के तहत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। उल्लेखनीय है कि देश में धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, बावजूद इसके धर्मांतरण के मामले पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और सरकारों ने कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। हालांकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है कि जबरन धर्म परिवर्तन से देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा गंभीर है और यह राष्ट्र की सुरक्षा और साथ ही नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन पर कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह अपना रुख स्पष्ट करें कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।